मेरा तो एक ही संकल्प है, प्रत्येक जीव अपने भीतर विराजमान परमात्मा के दर्शन करे, प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर विराजमान उस दीपक के दर्शन करे, प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर विराजमान उस परम ज्योति के दर्शन करे, मूलाधार शक्ति से, कुंडलानी शक्ति के माध्यम से उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करके शिव नेत्र से ऊपर ब्रह्मास्त्र में स्थापित करे। प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान हो ताकि मनुष्य योनि सफल हो, 84 लाख योनियों के चक्कर में ना फंसे, जल चल नभ चल आकाश चल चल नभ चल थल चल योनियों से मुक्त होके प्रत्येक जीव उस परम पिता को के दर्शन पाके अपने आप का निर्माण करे, अपनी आत्मा को उस अपनी ज्योति को परमपिता परमेश्वर में विलीन करे। मेरा यही संकल्प है, प्रत्येक साधक अपनी कुंडलानी शक्ति जागृत करके और परम तत्व के काम में लगाए, विधाता की सेवा में लगाए, परमपिता परमेश्वर की सेवा में लगाए। यही मेरा संकल्प है। आप मेरे संकल्प के साथ रहें और आप मेरे संकल्प के साथ चले, देश विदेश समस्त विश्व में मनुष्य अपने भीतर विराजमान ब्रह्म को, अपने भीतर विराजमान उस ज्योति के दर्शन कर सके और समस्त जीव का कल्याण कर सके, जीव की भाव दशा, मनुष्य की भाव दशा, मनोदशा बदल सके, ताकि हम एक नए विश्व का निर्माण कर सके, जिस विश्व में सिर्फ सत होगा, सत्य होगा, सत होगा, सत्य होगा। ओम तत् सत, ओम तत् सत। आपके भीतर, आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम सर्वेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मालिक जो ईश्वर आपके भीतर आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, वो मालिक मेरा प्रणाम स्वीकार करे। प्रेम सहित जय श्री राम।